देखो ये है डिस्क स्विच, दिख रहा है डिस्क स्विच, दिख रहा है ना। इसको पानी से बचाने के लिए पाइप लो, हाँ, इसके ऊपर के मुंह को ढक दो, ठीक है, ठीक है। इसको पानी से बचाने की जरूरी है, अभी तो पानी नहीं गिर रहा, मगर पानी गिरेगा तो अगर यहाँ पे लग गया तो अंदर टीवी में नो सिग्नल हो जाएगा, अधिकतर होता है। तो इसलिए ये इसके ऊपर के मुंह को, पाइप के ऊपर के मुंह को ढक दो और ये घुसा दो ऊपर लगता है, ठीक। आप यहाँ पे कहीं बांध दो और इसको यहाँ पे लगा दो ताकि इसमें डिस्क स्विच में पानी लगे। कैमरा तो वहाँ ले जाओ, बंद कर दो। तो दोस्तों सबसे पहले ये पाइप को हम वहाँ पर बांध देते हैं और ये डिस्क स्विच को पाइप के अंदर ऊपरी सिरे तक इसको अंदर तक घुसा देंगे और इसको बांध देंगे ताकि इसको पानी वगैरह ना लगे। तो अभी तो फ़िलहाल में बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन कभी कभी बेमौसम भी बरसात हो जाती है। तो डिस्क स्विच में पानी घुस जाने के बाद में ये नो सिग्नल दिखाता है नीचे, तो ये हमने यहाँ पर तार से इसको बांध दिया, अब ये नीचे भी नहीं आएगा। तो दिखाए गए तरीके के अनुसार आप भी अपने डिस्क स्विच को ख़राब होने से बचा सकते हो, उसे सुरक्षित रख सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नई जानकारी के साथ।